आज हम ईवीएस का चैप्टर नंबर 6 रीड करेंगे, हाउस वी लिव इन। ठीक है, वी नीड ए हाउस टू लिव इन। ए हाउस प्रोटेक्ट यूज ए हीट, कोल्ड, रेन एंड बैड वेदर। जो हाउस होता है वो हमारी एक जरूरत है। ये किस चीज़ से हमें बचाता है? हीट, गर्मी से, कोल्ड, ठंड से, रेन, वर्षा से एंड बैड वेदर, जो मतलब कि सही वेदर ना हो, उनसे हमें ये प्रोटेक्ट करता है, हमें सुरक्षित महसूस करता है। इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड थीसीज। ये हमें जानवरों से भी बचाता है। वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इन साइड ए आवर हाउस। हम अपने घर में बहुत ही सेफ फील करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस एंड डिफरेंट प्लेसेस। बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स के हाउसेज हैं, डिफरेंट जगह पर बनाए जाते हैं। वी काइंड ए हाउस हैज मेड बी डिपेंड ऑन। कौन सी वजह से जो हाउस डिपेंड करते हैं, किन चीज़ों से हाउस बनते हैं? फर्स्ट है द प्लेस वेयर द हाउस टू बी मेड। एक अच्छी जगह होनी चाहिए बनाने के लिए। सेकंड, द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल बी यूज्ड। अच्छा मटेरियल्स होना चाहिए जिसके घर सुंदर और मजबूत बन सके। थर्ड, द अमाउंट ऑफ मनी डैट कैन बी स्पेंड। और इस पर हमें पैसे भी लगाने पड़ते हैं। ये तीन चीज़ें हैं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे घर को बनाने के लिए। नेक्स्ट है डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस। कई तरह के हाउसेस होते हैं, आगे बताया गया है। फर्स्ट है कच्चा हाउस। कच्चा हाउस क्या होता है? कच्चा हाउस जहाँ सिर्फ मिट्टी का बना हो उसे हम कच्चा हाउस कहते हैं। कच्चा हाउस आर मेनली फाउंड इन विलेज। जो कच्चा हाउस होता है ये मोस्टली विलेजेस में होते हैं। नाउ डेज आजकल बहुत ही कम ऐसे हाउसेस हमें दिखाने के लिए मिलते हैं जिसमें कच्चे हाउस हों। मोस्टली अब सब पक्के हुए हाउस ही होते हैं। दीज हाउसेज आर मेड ए मड, स्टोर एंड वुड। ये जो हाउस होते हैं मिट्टी से, लकड़ी से बने होते हैं। दीज हाउसेज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ये जो हाउसेज होते हैं ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मजबूत बिल्कुल भी नहीं होते। जैसे इन्होंने जो पिक्चर्स दिए गए हैं, दो पिक्चर्स है, ये है कच्चा हाउस और ये है पक्का हाउस। जैसे ये कच्चा हाउस बिल्कुल भी कंफर्टेबल मतलब मजबूत नहीं होता। जब भी कोई बैड वेदर हो या हीट कोल्ड से हमें ये बचा नहीं सकता। और ये एक तरफ है पक्का हाउस जो हमारे लिए काफ़ी सेफफुल होता है। ओके,